नमस्कार देश देशांतर में आपका स्वागत है मैं हूं आरफा खानम शेरवानी तीन देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को केवल बल से नहीं हराया जा सकता बल्कि युवाओं को अतिवाद से दूर रखना भी जरूरी है उनका कहना है कि उदारवादी आवाजों को भी मजबूत बनाना होगा इसके अलावा उन्होंने सवाल संयुक्त राष्ट्र के रोल कर को लेकर भी उठाए हैं कि संयुक्त राष्ट्र अब तक आतंकवाद को परिभाषित करने में असमर्थ क्यों रहा है और आतंकवाद को मदद या शरण देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहने वाले प्रस्ताव पर कानून बनाने में भी ये सक्षम क्यों नहीं हो पाया है इस सब के साथ उन्होंने बात की है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है आतंकवाद पर कि किस तरह से एक पूरा दायरा एक पूरा स्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसके तहत दुनिया भर के देश साथ आएँ और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करें किस तरह से ये बात अलग है पिछले जो स्टैंड रहा है नरेंद्र मोदी का या फिर कितना इस बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसको लेकर एक स्वीकार्यता होगी ये जानने की हम कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के जरिए मेरे साथ प्रोफेसर एस डी मुनी मौजूद हैं जो कि एम्बेसडर uh, रहने के साथ साथ विदेश मामलों के जानकार भी हैं दूसरे खास मेहमान प्रांक रंजन चक्रवर्ती हैं सेक्रेटरी रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में अमित बरुआ हैं रेजिडेंट एडिटर हैं द हिंदू अखबार के और अब मैनेजिंग एडिटर हैं द हिंदू अखबार के और साथ ही प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा हैं चेयरमैन हैं सेंटर फॉर कैनेडियन यू एस एंड लेटिन अमेरिकन स्टडीज़ जे एन यू से मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान फ़ोन लाइन पर मौजूद होंगे अनवर जमाल अशरफ जो कि बॉन शहर से हैं जर्मनी के पत्रकार हैं भारतीय हैं और भारत में पत्रकारिता करने के बाद अभी जर्मनी में बसे हुए हैं उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो जो यूरोप में पनप रहा आतंकवाद है क्या वो जो दक्षिण एशिया का आतंकवाद है या भारत में जिस तरह का आतंकवाद पनपता है उससे किस तरह अलग है और किस तरह से यूरोप क्या आतंकवाद को काबू पाने में कामयाब रहा है या नहीं रहा है रणनीति किस तरह बना रहा है यूरोप ये अनवर से हम जानने की कोशिश करेंगे सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर मुनी मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि जो अभी ये ताज़ा स्टेटमेंट्स आए हैं जो बयान आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के आपको लगता है कि ये जो मौजूदा भारत की स्थिति है और जो स्टैंड रहा है उससे अलग है ख़ासकर जो बात उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को लेकर जो बड़े सवाल उठाए हैं वो मेरे हिसाब से उसको रिएटरेट करते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में भी हम लोगों ने पहले भी जब रिजोल्यूशन्स पास किए थे ख़ास तौर से फाइनेंशियल फ़्लोज़ को रोकने के लिए तो हिंदुस्तान ने उसका समर्थन किया था और हम बार बार वहाँ ये प्रश्न उठाते भी रहे हैं कि कुछ टेररिस्ट जो हैं उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए हम एविडेंस देते हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थिति है पी फाइव का रोल है पिछली बार भी चीन ने उसको अपोज़ किया हाफिज़ को और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए और दो दिन पहले भी किया उन्होंने तो उसकी उसको रिएटरेट किया है उन्होंने और मेरे समझ मैं समझता हूँ कि रिएटरेट करना ज़रूरी भी है क्योंकि ये सब रेजोल्यूशंस लेने के बाद भी यूनाइटेड नेशंस इफेक्टिव नहीं हो रहा है ना तो फाइनेंशियल फ्लोज अच्छी तरह से रुके हैं ना उसके आगे कोई एक्शन है जैसे टेररिज्म को डिफाइन करने की बात है और ये मोदी जी ने इंडिकेट किया अपने अपने भाषण में या जो हम कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन की बात कर रहे हैं उन सब में यूनाइटेड नेशंस की जो ड्राइव है वो काफ़ी कमजोर है उन्होंने कहा है कि जंग को लेकर युद्ध को लेकर तो एक डेफिनेशन है लेकिन आतंकवाद को लेकर डेफिनेशन नहीं है लेकिन इस पर भी सवाल ये उठ रहे हैं कि आतंकवाद चूंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का है और मेरे लिए जो आतंकवाद है वो शायद आपके लिए नहीं है तो कैसे एक एक ऐसी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन कैसे बनाई जा सकती है नहीं देखिए मैं मैंने इस सब्जेक्ट को थोड़ा स्टडी किया है और मैं देखता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट एजेंसीज ने डिफरेंट टाइम्स में डिफ़ाइन किया है ऐसा नहीं है लेकिन उसको उस, उसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया जा सकता कि छोटे मोटे बहुत कारण है एक डोमेस्टिक जोरिस्टिक्शन का कारण है कि जो यूनाइटेड नेशंस लॉ मांगता है जब तक उस लॉ को आप डोमेस्टिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको तस्दीक भी नहीं करेंगे उसको अप्रूव नहीं करेंगे दूसरा अगर ऐसे देश हैं जिन्होंने टेररिज्म को अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बना रखा है तो वो जानते हैं कि हम ये करवा रहे हैं अगर हम ये करवा रहे हैं तो हम क्यों बंद हैं अपने आप को तो हर एक के अलग अलग कारण हैं जिस वजह से कुछ देश उसमें आनाकानी डालते हैं और ये भी सोचते हैं कि हमारा जो एडवर्सरी है रीजनल राइवल या कॉम्पिटिटर है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा हमको नहीं होगा इस तरह की बातों से यूनाइटेड नेशन उलझा हुआ है और ओबामा की लाख कोशिश के बाद भी लगता है कि बात बन नहीं रही अम्बेसर चक्रवर्ती बताइए कि जिस तरह से लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रेस्पॉस मैकेनिज्म की बात की है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जरिए एक जो है पूरा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें जो है दूरंदेशी से काम लिया जाए पूरा एक स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स होना चाहिए क्या मायने हैं इसके किस तरह के रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर मोदी का संकेत उस तरफ है कि कोई एक इंटरनेशनल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरपोल है मान लीजिए जो इंटरनेशनल क्रिमिनल जो को हेल्प करता है इन द सेंस ऑफ इंटरपैन तो अगर वो उस तरह का संकेत दे रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे यू के अंडर में बहुत सारे हैं कि वो जहाँ एक इंटेलिजेंस uh, का आदान प्रदान हो एक पूल बने एक डेटा बने तो जिसमें सब देशों को फ़ायदा हो कि भाई टेररिस्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है क्या आइडेंटिफाइड हो लोग डेटा हो मेरे ख्याल उनका संकेत उस तरफ है वो तो होने वाला नहीं है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ क्योंकि अगर वो यूएन कन्वेंशन ही नहीं अडॉप्ट कर पा रहा है तो वो तो आगे की बात है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो बड़े देश हैं जो आतंकवाद से चिंतित हैं और जैसे न्यूक्लियर सिक्योरिटी की भी बात आई है तो उसमें मुझे लगता है कि ये बड़े देशों को अपना कुछ सेटअप करना चाहिए मल्टीलैटरल कुछ बनाएं यूएन के अंडर में शायद ना बने तो मल्टीलैटरल कोई संस्था बने जिसमें आदान प्रदान हो डायरेक्ट इंटेलिजेंस का रियल टाइम इंटेलिजेंस का जिससे एटलीस्ट टेरोरिस्ट एक्शंस जो है कुछ हद तक ट्रैक कर सके और उसको बंद कर सके प्रिवेंट कर सके पर तो तो अब अब जिस तरह से अब फैल गया है तो, तो रोकना पहले है। कि मैं आपकी तरफ आऊं अमित बरुआ और प्रोफेसर चिंतामणि की तरफ अनवर जमाल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर अनवर ये बताइए कि इसमें जो दो महत्वपूर्ण बातें जिन पर मैं चाहती हूं कि आप जवाब दें वो ये है कि एक जो तो युवाओं के चरमपंथ से दूर रहने की बात कही है प्रधानमंत्री ने इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि पेरिस हमलों के बाद उनका ये कहना था हमने देखा था कि जी ट्वेंटी समिट में जो टर्की में हुई थी उसके बाद उनका ये कहना था कि एक कन्वेंशन होना चाहिए ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म तो उसके साथ साथ अब ये बात हो रही है कि जो रेडिकल रेडिकलाइजेशन लोग हैं उनको प्रमोट करना होगा अर पर आपकी एक बात जो आखिरी वाली बात जो है वहां से शुरू करता हूं कि रेडिकलाइजेशन को लेकर के और लिबरल धर्म को लेकर के आमतौर पर हम यूरोप में अगर देखते हैं तो यहाँ पर का धर्म आमतौर पर लिबरल होता है यहाँ के यहाँ पर चूंकि मल्टी एथनिकल लोग होते हैं कई मल्टी कल्चरल लोग होते हैं तो उनका एक दूसरे से मिलना जुलना आपस में साथ में काम करना ये उनकी जरूरत भी होती है और ये उनकी दिनचर्या भी होती है तो जहाँ तक लिबरल रिलीजन uh, की बात है वो तो हम यूरोप में देखते हैं लेकिन यहाँ पर जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है जिसको सो पॉल रेडिकलाइजेशन हम लोग बोलते हैं उसकी वजह बिल्कुल दूसरी है उसकी वजह ये है कि जो पिछले साठ सत्तर सालों में दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ पर आकर के मुस्लिम युवा या मुस्लिम पीढ़ी जो यहाँ बसी है उनको यहाँ पर इंटीग्रेशन उस तरह से नहीं हो पाया इसके समाज में जिस तरह से उनका होना चाहिए था उसके कई वजह है उसकी भाषा भी एक वजह है उनके उनका सामर्थ्य उनका उनके स्किल्स ये बहुत सी वजह है जिसमें हम ब्रसल्स में भी देखते हैं या पेरिस में भी देखते हैं ये दो बड़े शहर जो हमले में जो हमले की जद में आए हैं इन दोनों शहरों में आप जाकर के देखेंगे तो जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के खास तौर पर लोग रहते हैं वो एक घेटों में रहते हैं वो उनके लिए एक खास जगह है जहाँ करके जहाँ पर ए, कि उनकी आबादी ज्यादा होती है और वैसी जगहों पर वो समाज के दूसरे अंगों से वो उनकी उस तरह से वो मेल जोल नहीं कर पाते हैं और ये बहुत बड़ी वजह है आरफा जिसकी वजह से वहाँ की युवा जो है अपने अपने ही समाज में बंधे रह जाते हैं और वहां से वो, रे, वो रेडिकलाइज हैं। जी लेकिन अनवर क्या है? इसका कहीं ना कहीं कोई हम समानांतर देखने की कोशिश करेंगे भारत या दक्षिण एशियाई जो समाज है जो राजनीति है कि अगर उनका इशारा इस तरफ हो कि यहाँ जो चरमपंथ के नजदीक युवा आ रहे हैं वो उसे रोकना चाहिए डी करना चाहिए क्या दक्षिण एशिया और भारत में ये संभव है दक्षिण एशिया और भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि हम आतंकवाद को बहुत ज्यादा किसी एक धर्म विशेष से जोड़ते हैं और वो उसकी उसका बहुत उसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जैसे कि पाकिस्तान को तो अभी स्टेट स्पॉन्सर्ड टूरिज्म की बात हुई पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको हम स्टेट स्पॉन्सर्ड कह सकते हैं कि वहाँ पर टूरिज्म मोटे तौर पर स्टेट स्पॉन्सर्ड है दूसरे देश कोई भी देश टूरिज्म को स्पॉन्सर नहीं करता है Uh, तो वहाँ पर जो जो जुड़ाव है रिलीजन का और आतंकवाद का वो बड़ा सीधा है लोग रेडिकलाइज होते हैं लोग जो है वो अति इस्लाम की तरफ जाते हैं और वहां से हम देखते हैं कि कई बार वो आतंकवाद की तरफ जाते हैं हालांकि ये बहुत मतलब कि ये जनरल नियम नहीं है लेकिन ये मोटे तौर पर ऐसा देखते हैं यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि यूरोप में या दूसरे देशों में इंटीग्रेशन की संभावना बहुत ज्यादा रहती है चाहे आप किसी भी देश से आ रहे हो और यहाँ पर आप मिलजुल करके काम करते हो यहाँ पर उस तरह क्रेडिकलाइजेशन की संभावना बहुत कम होती है तो ये एक मोटा फर्क हम देखते हैं साउथ एशिया और यूरोप के या वेस्टर्न कंट्री में अमित प्रभा ये बताइए कि अगर आंकड़े हम देखें तो कुछ और ही कहानी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं आतंकवाद को लेकर वो दरअसल वेस्ट एशिया और अफ्रीका में हो रही हैं पश्चिम देशों में नहीं हो रही हैं और जो दो तिहाई हिस्सा है इस आतंकवाद के असर का वो इराक नाइजीरिया सीरिया पाकिस्तान अफगानिस्तान तक सिमट जाता है और अगर तमाम पश्चिमी देशों का हम जिक्र करें पिछले पंद्रह साल का हम फिगर उठाएं तो तीन फ़ीसद से भी नीचे प्रभावित होता है यानी कि पूरा अगर देखा जाए जितना आतंकवाद सौ फीसद अगर पूरी दुनिया में हो रहा है तो क्या जो रेस्पॉन्स है टेररिज्म का उसमें जो फोकस करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी वो यूरोप के ऊपर कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर कर रहे हैं या उनका इरादा भी इन देशों के ऊपर है जिसमें जो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं जी एक तो उनके जो बयान आते हैं वो जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेके भी जो उनके कंसर्न्स हैं क्योंकि आपको मालूम होगा कि बेल्जियम में जो घटना हुई उसमें से एक जो कल्परेट आइडेंटिफाइड है उसकी उसकी तरफ से कुछ ऐसी वीडियो मिली है जहाँ पे एक बेल्जियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उसने फिल्म किया है तो ये मुझे लगता है काफ़ी गंभीर बात है कि अगर इस तरह का फुटेज उनको मिला है तो मेरे को लगता है कि मोदी जी ने जो बात कही है वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेके डर्टी बॉम्ब को लेके पहले भी चर्चा हुई है कोई नई बात नहीं है लेकिन चूंकि अब वेस्टर्न कंट्रीज में आतंकवाद बढ़ रहा है जिसका आप जिक्र कर रही थी तो अब ये आंकड़े ये भी आए हैं कि तकरीबन सात हजार फाइटर्स वेस्टर्न कंट्रीज से सीरिया में अन्य जगहों पर आके उन्होंने लड़ाई की है तो सात बहुत बड़ा नंबर होता है तकरीबन एक देश के लोग इस इलाके में आए हुए हैं तो मुझे लगता है कहीं कही ना कहीं जो आतंकवाद की परिभाषा है जो आतंकवाद का इंपैक्ट है जब घटना पेरिस में होती है ब्रसल्स में होती है किसी वेस्टर्न कैपिटल में होती है तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है क्योंकि अब इराक ईरान या कहीं भी आप ले लें उस और पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो कहीं भी अगर घटना होती तो उसका प्रभाव कम होता है तो ऐसी स्थिति पे मुझे लगता है कि ये जो परिभाषा की बात कर रहा है यूएन में भी ये डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म ये एक तरह से मुझे लगता है आउटमोडेड हो गया है क्योंकि सिचुएशन गंभीर है सिचुएशन हियर एंड नाउ की है और जैसे कि पिनाक कह रहे थे कि अगर कोई मैकेनिज्म डेवलप करना हो आपको मालूम है कि देश के अंदर भी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, करते। अमेरिका में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी नौ ग्यारह के वक्त हमने देखा था तो ऐसी स्थिति में जो मुल्क कोऑपरेट करने को राजी हैं उनको कोऑपरेट करना चाहिए मैकेनिज्म बनाने चाहिए क्योंकि ये हियर एंड नाउ की प्रॉब्लम है थ्रेट तो एक लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्स तो बिल्कुल हो लेकिन होना अगर भौगोलिक हिसाब से देखें तो यूरोप या अमेरिका भारत के साथ कोऑर्डिनेशन करने में या सहयोग करने में क्यों उतनी दिलचस्पी दिखाएंगे अगर भौगोलिक अतबार से हम देखें तो ये देखिए उनके अगर भारत को छोड़ दीजिए अन्य भी देश हैं और पाकिस्तान को ले लीजिए जितनी आतंकवादी वारदातें या जितने बड़ी बिग फिश जो पाकिस्तान में रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेशन उनकी चल रही है लेकिन मेरा ये मानना है कि इतना आसान नहीं है ये काम और इंटेलिजेंस काम इसको समझना सबसे पहली बात कि आईसिस या दाएश या जो भी ये संगठन है ये क्यों क्या हो रहा है इसको पहले चीज तो उसको समझने की बात है और समझने के बाद ही अगर आप हवाई जहाज से या ड्रोन से किसी को आ, किसी के ऊपर हमला करेंगे तो मुझे नहीं लगता इस इस, इस प्रॉब्लम का अंत होने वाला है प्रोफेसर महापात्रा ये बताइए कि सवाल जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है आतंकवाद के को सही से परिभाषित नहीं किया इस पर भी सवाल उठाया पीएम मोदी ने इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जिस तरह से अभी काम कर रहा है संयुक्त राष्ट्र बहुत जल्दी वो इेलिवेंट हो सकता है उसकी सार्थकता खत्म हो सकती है देखिए यूनाइटेड नेशंस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने के लिए एक सही संस्था नहीं है बहुत सारे इंटरनेशनल मुद्दे हैं जिसमें यूनाइटेड नेशंस फेल हो चुका है इसीलिए बहुत, बहुत सारे देश अलग अलग किस्म का अलग अलग संगठन बना रहे हैं जैसे आप क्लाइमेट चेंज को लीजिए या कोई भी इंटरनेशनल मुद्दा लीजिए फूड सिक्योरिटी को लीजिए हर एक में इतने सारे मुद्दे हैं इतने सारे मतभेद हैं देशों के बीच तो आतंकवाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि ये बेसिकली एक नेशनल प्रॉब्लम है वो नेशनल प्रॉब्लम इंटरनेशनल प्रॉब्लम है मगर ग्लोबल प्रॉब्लम ऐसे नहीं है तो हर एक देश को अपने अपने आतंकवादी संगठन के साथ लड़ाई करनी है ये सही है कि आतंकवादी संगठन ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया है कि एक दूसरे को मदद करते हैं मगर सही ढंग से देखेंगे तो हर एक देश ने अपने अपने आतंकवादी संगठन के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं जैसे इंडिया में पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म जितने भी ग्रुप हैं इंडिया उनके साथ लड़ाई कर रहा है और कोई यूरोपियन अमेरिकन देश बियॉन्ड पॉइंट इंडिया को मदद नहीं कर सकते अफ्रीका में जो हो रहा है वो उसमें इंडिया का क्या कोऑपरेशन uh, है अफ्रीका में जो हो रहा है आईसीस के लिए देखिए वहाँ भी वही अमेरिका अपना कोलेशन ऑफ द विलिंग को लेके फाइट कर रहे हैं तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि जो वास्तवता है वो आतंकवाद एक ग्लोब एक, एक ऐसा समस्या है जो बहुत सारे देश उस उसको फेस करना पड़ रहा है मगर जब लड़ाई की बात आती है सचमुच हर एक देश को अपना एक एक कोलिशन बनाना चाहिए कौन कौन सा देश उनको मदद कर सकते हैं उसी ढंग से ही होगा अगर हम ये कहते रहे कि यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है यूनाइटेड नेशंस के हम भी मेंबर हैं बाकी सारे देश भी मेंबर हैं एक तो एक पॉलिटिक्स का हॉटबेड है यूनाइटेड नेशंस तो इसीलिए मुझे लगता है कि विलिंग कोलिशन ऑफ द विलिंग अगर बनाएं तो शायद वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने में ताकि हम जाए अनवर जमाल अशरफ क्या इस बात पर आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि वाकई जिस तरह से आतंकवाद का जो चेहरा हमारे सामने नज़र आ रहा है जिसकी भौगोलिक अपनी परिस्थितियां भी हैं राजनीतिक परिस्थितियां भी हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इंटरनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़ा है अलग अलग देशों की क्या आपको लगता है कि वाकई ये संभव नहीं है कि एक नोडल एजेंसी जो है पूरी दुनिया के आतंकवाद पर वहाँ चर्चा हो और एक रणनीति बने क्या ये संभव नहीं लगता और अगर प्रैक्टिकल नजरिए से आप देखेंगे तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि जो आप इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करती हैं जो आप उनकी जो सुरक्षा की जो जानकारियाँ जो होती हैं उनको शेयर करने की बात करती हैं भला इंटेलिजेंस सर्विसेज अपनी अपनी ये जानकारियां क्यों कर शेयर करेंगी क्योंकि हमने देखा है कि खास तौर पर यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में जो उनके सोर्सेज होते हैं जानकारी हासिल करने के वो सोर्सेज बहुत डायसी होते हैं ये भी बहुत बहुत ही सस्पिशियस होता है हमने पिछले पिछले दिनों में देखा है कि किस तरह से अमरीकी जाँच एजेंसी ने जर्मन चांसलर एंगेला मेरकिल का टेलीफोन टैप किया था तो भला ये आप कैसे शेयर कर सकते हैं तो ये एक यूनिफॉर्म इंटेलिजेंस सर्विस की जो बात हो रही है ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है मेरी नजर से और इसको इसलिए भी सुरक्षा एजेंसियां इसको शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि उनको लगता है कि उनकी स्योरिटी पर हमला हो सकता है उनकी जो इंटीग्रिटी है उसको वो जो है वो खतरे में पड़ सकती है अगर वो इस तरह के क्रिटिकल डेटा शेयर करेंगे तो ये तो आपकी बात हो गई कि आ, सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह का किस तरह का तालमेल हो सकता है दूसरी बात जो बार बार टेरर के डेफिनेशन की बात कर रहे हैं आरपा हमको ये समझना चाहिए कि टेरर जो है पिछले दो दशकों में कम से कम जरूर इसने जो है अपना स्वरूप बदला है पहले जो है वो अपना एक आ, किसी भी स्टेट के खिलाफ जो टेरर होता था वो होता था लेकिन अब इसके अब इसका डायमेंशन मल्टी डायमेंशनल हो गया है अब ये जो है किसी स्टेट के खिलाफ नहीं है बल्कि आई जो है अपने आप में, अपने आप आप में को एक स्टेट है उसने बड़े बड़ी जगह पर कब्जा कर रखा है रिलीजियस ग्राउंड पर एथनिकल ग्राउंड पर या आर्थिक ग्राउंड पर टेररिज्म हो रहा है तो टेरर का जिस तरह से चेहरा बदला उसको डिफाइन करना वाकई लेकिन क्या किसी के लिए बहुत मुश्किल है जी ठीक है प्रोफेसर मुनी बताइए वाकई के यूनिफॉर्म रेस्पॉन्स की जिसकी बात हो रही है वो संभव नहीं है क्योंकि चेहरा अलग अलग है तो रणनीति अलग अलग होगी देखिए मैं जहां तक मोदी जी का वक्तव्य समझ पाया हूं मैं समझता हूं वो इसी के खिलाफ आर्ग्यूमेंट किया है उनों। है है उन्होंने उन्होंने ये ये कहा है कि कि टेररिज्म का का अपना नेटवर्क और ये मानना कि एक टेररिस्ट ग्रुप दूसरे टेररिस्ट ग्रुप से कोई वास्ता नहीं है बहुत ज्यादा सही बात नहीं है लेकिन जो नेशंस हैं वो अपने नेटवर्क को नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं इसको मीट करने के लिए इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमको भी उस नेटवर्क को आउटस्मार्ट करने के लिए आपस में जितना संभव है सहयोग करना पड़ेगा ये मान सकते हैं कि सब के सब देश एक जुट होकर एक काम नहीं करेंगे लेकिन दो काम उसमें हो सकते हैं जैसा पिनाक ने कहा कि कुछ देश जिनके ज़्यादा स्टेक्स हैं डायरेक्ट स्टेक्स हैं वो आपस में सहयोग कर सकते हैं लेकिन दूसरे देशों को इन प्रिंसिपल ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमको नेटवर्क में काम करना पड़ेगा ताकि उसका ओपोजिशन नहीं करें और मैं इसकी एग्जाम्पल आपको देता हूं जो चीन कर रहा है वहां पर वो भी उठाने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, जी तो इसीलिए ये दोनों इसके पहलू हैं चाहे एक साथ मिलके काम नहीं करे लेकिन जहां काम हो रहा है उसको सेबोटाइज नहीं करें और जहां तक संभव हो चार पांच दस बारह देश आपस में मिलकर जो कुछ कर सकते हैं वो करें चक्रवर्ती क्योंकि उन्होंने जो है स्टेट एक्टर्स की भी बात कही है आतंकवाद को लेकर तो क्या सीधे पाकिस्तान की बात हुई है एक बार फिर से आर्मी जो आईएसआई का नेक्सस जिसके बारे में भारत अक्सर कहता रहा है क्या हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं पी एम मोदी बिल्कुल कर रहे हैं पाकिस्तान की बात पर जब जहाँ तक स्टेट एक्टर्स का स, का संबंध है अब आप सीरिया में देख लें क्योंकि जिस तरह के जो इंटरवेंशनिस्ट काइंड ऑफ एक्शन इन्होंने लिया सऊदी अरेबिया कतर यूएसए एंड जो भी थे उन्होंने किसको सपोर्ट किया जो सीरियन गवर्नमेंट जिनको टेररिस्ट कहते हैं अलकायदा नुसरा ये तो टेररिस्ट तो अगर हम एक तरफ तो बोलें कि हम टेररिज्म से लड़ेंगे और दूसरी तरफ टेररिस्ट को सपोर्ट करके हम जियो पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव को हम मतलब मीट करना चाहते हैं कि रजीमें या उनकी अंधेगी करें, करें या रजीम चेंज का जब सवाल होता है तब तो हम टेररिस्ट वो हमारा गुड टेररिस्ट बन गया जो हम यू you नो know, पाकिस्तान के खिलाफ भी कहते हैं कि गुड टेररिस्ट है बैड टेररिस्ट है हम लड़ेंगे कुछ टेरोरिस्टों के साथ और कुछ को हम पाल के रखेंगे जो हमारा काम करेगा और तालिबान से तो काफी दिनों से बात हो ही रही है दिस इज इज द द पॉइंट आई मीन दैट होल प्रॉब्लम इन डीलिंग विद हैिज्म और दूसरी बात म, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ द रोल ऑफ सऊदी अरेबिया इन प्रोमोटिंग वहाबी जिहादिज्म दे हैव स्पेंड जिहा टू हंड्रेड बिलियन डॉलर्स ओवर द टू देयर ब्रांड ऑफ इस्लाम और अमेरिका खामोश है इस पर बिल्कुल वो तो वो तो एलाइज है जब से वो सऊदी अरेबिया बना था तब से एलाइज है अब थोड़ा सा थोड़ा सा गैप शुरू हो गया है सेक्टेरियनिज्म इन्होंने बढ़ाया है इनके जो प्रीचर्स हैं जो वहाँ पढ़ते आते हैं वो यहाँ आके वही बातें करते हैं तो एक्सट्रीम ये जो एक्सट्रीम फॉर्म जो वहाबिज्म का है इन्होंने भी बढ़ाया है तो ये इसको भी तो डील करना पड़ेगा बिल्कुल How do you deal with Wahhabi terrorism and Wahhabi kind of ideology which breeds terrorism? Hmm. अमित बर्बा ये बताइए कि फिलहाल बात वापस फिर आ रही है डेफिनेशन को लेकर कि परिभाषित कैसे करेंगे एक के लिए आतंकवाद दूसरे के लिए उसका राजनीतिक प्रतिरोध हो सकता है या जिस तरह से कुछ आतंकवादी संगठन यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई वो राजनीतिक तौर तो पर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं हथियारों की जबान उनकी है किस तरह से हम ये डिफ्रेंशिएट करें या फलस्तीन में जो हो रहा है फॉर देट मैटर अगर हम ये देखें तो क्या वाकई इसराइल अगर उसे आतंकवाद कहता है तो फिलस्तीन के नज़र से हम उसे कैसे देखें तो ये भी परिभाषित करना कि एक देश के लिए एक समूह के लिए वो आतंकवाद है दूसरे के लिए नहीं है जी बिल्कुल ये मुश्किल काम है और मुझे लगता है कि ये परिभाषा के चक्कर में हम लोग बहुत साल से पड़े हुए हैं और ये परिभाषा के ऊपर अगर एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी हो जाए वो इतना फ्लूड और वीक रहेगा कि उसका कुछ प्रभाव नहीं होगा लेकिन अगर परिभाषा नहीं करेंगे तो रणनीति कैसे लेकिन मेरा, मेरा ये मानना है अब आप देख लीजिए हाफिज़ सईद जैसे शख्स के बारे में उसके खिलाफ जितना एविडेंस है जिसके उसके बयान हैं जो उसके लिंकेजेस हैं उसके बावजूद अगर कोई उसकी हिमायत करता है या उसको कोई डिफेंड करता है और ये बड़े बड़े मुल्क हैं जो कि डिफेंड कर रहे हैं उनको तो उससे बात साफ हो जाती है कि आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इसको टेररिस्ट कहेंगे या नहीं कहेंगे या किसी वक्त आप बदल भी सकते हैं तो मोटी बात यह है कि अगर कोऑपरेशन की बात है हो सकता है कि सौ फीसदी कोऑपरेशन नहीं हो लेकिन दस या पंद्रह तो हो क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है लोगों की मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर जिस तरह से प्रहार हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हैं लेकिन अंबेसर चक्रवर्ती कह रहे हैं कि हिपोक्रेसी देखिए कि जो जड़ है जो जो विचारधारा जड़ है मैं आपको कह रहा कि आज की तारीख में जो फोकस है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो आतंकवादी नेटवर्क फैल चुका है उससे सबसे ज्यादा लोग चिंतित हैं वहां पर हमारी जो इश्यूज हैं जैसे अब ये लाहौर में जो घटना हुई उसके बाद पाकिस्तान का स्वर कुछ बदला है और उन्होंने कहा है उनके पंजाब में मंत्री ने कहा है कि अब हम हर एक आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे वो वक्त बताएगा लेकिन फोकस इस पर है और ये जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बात हो रही है समिट की बात हो रही है ये ये एक तरह से आईसीएस के ऊपर उन्होंने एक अलग सेशन जी, रखा जी, है तो इसका प्रभाव इसका इंपैक्ट क्लियर है बहुत संक्षेप में प्रोफेसर महापात्रा ये बताइए कि चीन का जो कदम है हाफिज सईद को बचाने वाला या भारत के रास्ते में मसूद अजहर को बचाने वाला भारत के रास्ते में खड़े होने के लिए आप किस तरह से उसको देखते हैं मैं तो ये कहूँगा कि जब तक सारे देशों में एक अंडरस्टैंडिंग ना हो कि कोई भी स्टेट अगर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर कर रहा है मदद कर रहा है तो उसको आइसोलेट करना चाहिए अगर यही समझौता नहीं हुआ तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करना नामुमकिन है तो इसीलिए अलग अलग देश का अगर अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके लिस्ट में हैं तो एटलीस्ट एक, एक तो समझौता हो जाए चाहे वो चीन हो अमेरिका हो यूरोपियन कंट्रीज़ हो कि स्टेट पॉलिसी आतंकवाद के सपोर्ट में अगर कोई कर रहा है तो उसी देश को आइसोलेट किया जाए बिल्कुल तो इसमें एक सहमति हो सकती है अदरवाइज इसके खिलाफ लड़ाई करना नामुमकिन है इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसको बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बताया है कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के खिलाफ एकजुट हो जी प्रोफेसर महापात्र बहुत बहुत शुक्रिया और आप कह रहे हैं कि अलहदा किया जाए अलग किया जाए उन लोगों को उन बलों को या उन राष्ट्रों को जो आतंकवाद में सम्मिलित थे, लेकिन यहाँ पर उसकी राजनीतिक जो जटिलताएं हैं वो भी सामने आ रही हैं फिलहाल अभी के लिए इतना ही नमस्कार